अहमदाबाद से आईआरसीटीसी की तेजस एक्सप्रेस चलनी शुरू हो गई है। कोरोना काल के बाद ये दोबारा शुरू हो रही है और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं और किस तरीके की स्थिति है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, और अंदर जो इंतजाम किया गया है वो ये किया गया है कि हर एक व्यक्ति का बैगेज पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। और हम अब आ पहुँचे हैं प्लेटफार्म पर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में, और यहाँ पर तेजस एक्सप्रेस पूरी तरीके से तैयार है और तेजस एक्सप्रेस को सैनिटाइज करके यहाँ पर लाया गया है और यात्री भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस है, और ये कहाँ कहाँ रुकेगी? ये रुकेगी नाडियाड, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी और बोरीवली। साथ ही साथ एक और इसमें स्टाफ दिया गया है, अंधेरी का स्टाफ भी दिया गया है। तो तेजस एक्सप्रेस दोबारा, हम कह सकते हैं कि मार्च के बाद दोबारा फिर से सेवा में आई है। दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद लगता है कि रेलवे फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है। जहां 196 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, वहीं कई तेजस ट्रेन्स और कई वंदे भारत स्पेशल्स को भी परिचालन में शुरू किया गया है। आज इसी संदर्भ में हम आ पहुंचे हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर, जहां हम बात करेंगे यहां के मौजूद स्टाफ से, यहां के मौजूद लोगों से, और उनसे जानेंगे कि कैसा होने वाला है तेजस एक्सप्रेस का परिचालन, क्या कोविड की गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी, क्या स्टेशन के अंदर के इंतजाम हैं और क्या ट्रेन के अंदर के इंतजाम हैं, ये सब आपको बताएंगे। तेजस एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सेफ्टी किट भी प्रोवाइड की जा रही है। प्रोवाइड कर रही है IRCTC इसमें, जिसमें फेस शील्ड, फेस मास्क, ग्लव्स एंड सैनिटाइजर प्रोवाइड कर रहा है। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि ये एक लंबी दूरी की ट्रेन है, क्योंकि ये मुंबई तक का सफ़र तय करती है, और हमने देखा है कि इस कोविड एरा में कई लंबी दूरी की ट्रेन्स में पैंट्री कार्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन पैंट्रीज कस्टमर्स को सर्व नहीं की जा रही है। तो क्या तेजस एक्सप्रेस में भी पैंट्री को लेकर कुछ खास ख्याल रखा गया है? क्या खाना सर्व किया जाएगा पैसेंजर्स को? देखिए, हमारा यहाँ पे जो लाइसेंसीज का बेस किचन है वो हमारा एक अहमदाबाद, देन सूरत एंड मुंबई है। तो हम बेस किचन में पूरा जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं उनकी कस्टडी में पूरा जो है फूड प्रिपरेशन होता है, पूरा हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, वहाँ से पैकिंग वगैरह के फूड चढ़ता है। यहाँ पैंट्री इट्सेल्फ अलग से कोई पैंट्री नहीं है, यहाँ पे ओनली हीटिंग एंड चिलिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो हम फ्रेश फूड सर्व करते हैं इसमें। लोगों को कोविड किट प्रोवाइड किया गया है इस ट्रेन में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड किट में आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं? हैंड ग्लोव्स दिए हैं, मास्क दिए हैं, सैनिटाइजर दिया है, और सबसे अधिक ये जो फेस शील्ड दिया है, इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी हमने समझो इसको फेस इसको रिमूव किया तो इट प्रोटेक्ट अस। तो ये पूरे ट्रेन के दौरान आपको कोई ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं कि ये पूरे सफर के दौरान आपको लगा के रखना है? नहीं, उस अपने लिए लगाना ही है, निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन ये कंपलसरी भी है कि स्वयं अपना खुद उसका ध्यान रखें, डिसिप्लिन मेंटेन करें और सरकार को सहयोग करें। मैम, ये ट्रेन 7 मंथ्स के बाद फिर से परिचालन में आई है, और कोविड की गाइडलाइंस को देखते हुए आप लोगों को कैसी यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी कैसा लग रहा है आपको? सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छे से वो देखभाल करते हैं, बहुत अच्छा है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको कितनी खुशी है ये ट्रेन दोबारा पटरी पर चल रही है, क्योंकि ये भारत की नहीं मतलब विश्व की भी एक बहुत सुपर फास्ट और इंडिया की कॉर्पोरेट ट्रेनों में से गिना जाता है। भगवान की दुआ से हमेशा चलती रहे, दौड़ती रहे। कुछ कोई डर है या कुछ ऐसा कि कोविड का भी टाइम है और आपके साथी पैसेंजर्स कैसे होंगे, क्या सुविधाएं होंगी आपको? देखो, सुविधा में सब सुविधा है, लेकिन डर के जिएंगे तो कैसे जिएंगे? सेफ्टी हमको ही रखने का है, तो सेफ्टी वो लोग देते ही है। तेजस जैसी ट्रेन दोबारा शुरू हुई तो लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है, और उत्साह के साथ साथ लोगों को लगता है कि रेलवे फिर से पटरी पर लौट रही है। ये ट्रेन इसलिए खास हो जाती है क्योंकि देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेनें मानी जा रही हैं। 2 ट्रेनें इस तरीके की शुरुआत की जा रही हैं। IRCTC ने दोबारा चलाने का फैसला लिया है, एक अहमदाबाद से मुंबई, और दूसरी अगर हम बात करें तो नई दिल्ली से लखनऊ के बीच तेजस एक्सप्रेस
दोबारा चलनी शुरू हो रही है। तो यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं? दूसरी बात यह है कि लोगों को कोविड से बचाने के लिए इस ट्रेन की सिर्फ 50% सीटें ही बुक की जा रही हैं, यानी एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठना है। लेकर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे बताया गया है कि 50% ही सीट्स होंगी, तो आपका पैसेंजर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है? देखिए, हमने कोविड को देखते हुए 50% ऑक्यूपेंसी पे हम बुकिंग कर रहे हैं। डेट मीन्स इसमें 56 का अकोमोडेशन होता है, टोटल ऑक्यूपेंसी हमारा होता है, तो उसमें हम 28 पैसेंजर्स ही बुक कर रहे हैं। जिगजैग में हम पैसेंजर्स बुक कर रहे हैं, जिगजैग फॉर्म में, मीन्स जितना मैक्सिमम सोशल डिस्टेंसिंग हो सके उससे ताकि रह सके। तो हम यही चीज़ सिमिलरली चेयर कार में भी है। एंड ट्रेनों को रोके जाने के पीछे जो सबसे बड़ी आशंका थी, वो आशंका ये थी कि ट्रेनों से कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण फैले नहीं, लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। IRCTC ने किस तरीके की तैयारियां की हैं और क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अंदर पूरी तैयारियां की गई हैं जिससे कोरोना संक्रमण फैले नहीं। एंड पैसेंजर सेफ्टी के ऊपर है एंड पैसेंजर कम्फर्ट के ऊपर है। यार्ड से जब ट्रेन आती है तो हम इसको पूरा यार्ड में ही सैनिटाइज होती है गाड़ी। देन इंटरमीडिएट स्टेशंस पे अगर कोई पैसेंजर बोर्डिंग एंड डीबोर्डिंग होता है तो उसमें भी हम वो सीट्स को सैनिटाइज करते हैं, प्लस लगेज सैनिटाइजेशन का भी हमने इसमें स्कोप रखा हुआ है। पैसेंजर लगेज सैनिटाइजेशन का वो इंक्लूडिंग है, मतलब आपका उसके लिए अलग से हम कोई कॉस्ट चार्ज नहीं करते हैं। प्लस डेस्टिनेशन मुंबई पहुँचने के बाद फिर ट्रेन में वापस सैनिटाइजेशन रहेगा, और सिमिलरली रिटर्न आने के बाद यार्ड में प्लेसमेंट के पहले फिर हम वापस सैनिटाइजेशन प्रोसेस करेंगे इसका। सर, अगर किसी पैसेंजर की मेडिकल कंडीशन सही नहीं है या उसको इन द ट्रेन अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको आप लोग कैसे टैकल करेंगे? नहीं, देखिए, उसके लिए तो पहले भी हमारे पास ऐसे कुछ केसेस आए थे जब ड्यूरिंग जर्नी पैसेंजर्स का वो हुआ था, तो हमने मेडिकल एड प्रोवाइड करवाया था। जो भी नियर बाय स्टेशन रहता है या फर्स्ट एड किट्स भी हमारे पास होते हैं तो फर्स्ट एड किट्स में हम प्रोवाइड करा सकते हैं कोविड को देखते हुए। और हम लोग पहले थर्मल स्कैनिंग वगैरह करके फ्री पैसेंजर्स का एंट्री हो रहा है प्लेटफॉर्म्स पे, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ता है तो हम डॉक्टर को कॉल करके नेक्स्ट स्टेशन पे अटेंड। जब ट्रेन चलती है तो लोको पायलट का खास महत्व होता है। आइए सुनते हैं लोको पायलट क्या कह रहा है। ये लॉकडाउन के हिसाब से गाड़ियाँ बंद की थी और वायरस उसके वैक्सीन नहीं मिला था और कोरोना अभी भी है, इसलिए गाड़ी अभी धीरे धीरे चालू कर रहे हैं पब्लिक। मार्च के बाद दोबारा तेजस एक्सप्रेस चलनी शुरू हो गई है। अहमदाबाद से मुंबई के सफर पर ये ट्रेन निकलने जा रही है। जब ये ट्रेन चलती है तो इसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, यानी चलती हुई ट्रेन में दरवाजे खुलते नहीं हैं, तो यहाँ ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब ये ट्रेन चलने वाली है। ऐसे ही तेजस एक्सप्रेस बिल्कुल अपने निर्धारित समय पर 6:40 पर अपने स्टेशन से रवाना हो चुकी है, और हम एक सुखद यात्रा की कामना करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर रेलवेज के परिचालन को लेकर मैं यही बोलूँगा कि रेलवेज भारत की ही नहीं दुनिया के लिए भी एक अहम योगदान रखती है। भारत में करोड़ों लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर यह रेलवे पहुंचाती है, और इस तेजस एक्सप्रेस के चलने से जहां लोगों के अंदर काफ़ी खुशी देखी गई है, वहीं हमने लोगों से बात किया, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा गया है। तो आज से इस तेजस एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो चुका है और ये डेली ही 6:40 पर अपने निर्धारित समय पर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से खुलेगी, और ये तकरीबन 1 पहुंच जाएगी। दोस्तों, रेलवेज लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व रखती है, और रेलवेज चलने के बाद लोगों के अंदर काफ़ी खुशी की लहर देखी गई है। और आपको बता दूं कि यहां पर एक लंबे इंतज़ार के बाद इस रेल का परिचालन दोबारा शुरू हो गया है, और COVID-19 को देखते हुए सभी व्यवस्था जनता को प्रोवाइड की गई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ स्टेशन।